वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट, और आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स 1 to 20। आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या फिर लेस देन, ओके एंड इक्वल। कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ साइन हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर कंपैरिजन। जैसे कि यहाँ आप सबसे पहला साइन आप देख रहे हैं, दिस इज साइन ऑफ ग्रेटर, ओके साइन ऑफ ग्रेटर आप इस देख रहे हैं, ग्रेटर देन का ये साइन है। सेकेंड जो साइन है हमारा, ये है लेस देन का, लेस देन मीन्स छोटा, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड साइन इज ऑफ इक्वल, यानी कि ये इक्वालिटी शो करता है, बराबर का ये साइन है। तो हमें ये थ्री साइन यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में। सबसे पहला ग्रेटर देन, मोर देन भी इसको बोल सकते हैं, लेस देन, सेकेंड नंबर लेस देन या फिर स्मॉलर देन इसको बोल सकते हैं हम, और इक्वल मीन्स इक्वल। अगर हमारी डिजिट बड़ी होती है, फर्स्ट डिजिट बड़ी होती है देन सेकंड डिजिट से, तो हम इसे यूज़ करेंगे ग्रेटर देन को। अगर हमारी जो फर्स्ट डिजिट दी गई है वो छोटी होती है सेकंड जो नंबर हमें दिया गया होता है उस नंबर से, तो ये लेस देन का साइन हम यूज़ करेंगे। और अगर हमारे दोनों नंबर्स आपस में दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हम ये इक्वल वाला साइन लगाते हैं। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल इज़ लेफ्ट साइड में एक नंबर हमें दिया गया है 1, और सेकंड जो प्लेस पर नंबर है 2। तो अब देखना ये है कि क्या ये 1 ज़्यादा है 2 से, सेकंड नंबर से, या फिर कम है। तो 1 2 से कम होता है, ओके लेस होता है, तो यहाँ पर हमारा जो साइन आएगा वो आएगा लेस देन वाला, ये सेकंड नंबर लेस देन या फिर स्मॉलर देन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी सेकंड एग्जांपल हम देखें, स्टार्टिंग में 5 यहाँ दिया गया है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे हमारा 3 दिया गया है, बीच में ये एम्प्टी बॉक्स है, इसमें हमें साइन लगाना है क्या कौन सा यहाँ साइन आएगा। तो 5 ज़्यादा होता है 3 से, ओके तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन यानी कि बड़े का साइन हम लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन हम लगाएंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 1 इज़ लेस देन 2, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, एक साइड 10 है हमारा फर्स्ट में और सेकंड 15 है, तो क्या 10 छोटा है या ज़्यादा है हमारा 15 से, ये देखना है। 10 छोटा होता है, कम होता है, तो यहाँ पर फिर से हम लेस देन का साइन लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल 20 हमारा 16 से ज़्यादा होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन मीन्स जो ज़्यादा, मोर देन, ग्रेटर देन इज इक्वल, ओके चाहे हम ग्रेटर देन बोलें या फिर मोर देन बोलें, एक ही बात है। नाउ इधर हमारा लेफ्ट साइड में भी 10 है और दूसरा डिजिट जो राइट साइड में दी गई है वो भी 10 है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर हमारा इक्वल वाला साइन जो था हम उसका यूज़ करेंगे, इक्वल का साइन हम यहाँ लगाएंगे, तो 10 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट इधर भी देखिए आप, 19 है, दूसरी साइड भी 19 है हमारा, तो दोनों इक्वल हैं आपस में, यहाँ पर भी इक्वल का साइन हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट इसमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि लार्जेस्ट को आप सर्किल बनाएं या फिर राइट करें, टिक लगाएं। तो लार्जेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर होता है हमारी दी गई सीरीज में। तो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर 2, 5, 10 and 7 में विच इज़ द लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 10, ओके तो हम 10 को या तो सर्कल कर देंगे या टिक लगा देंगे, जैसा भी क्वेश्चन में हमें बोला गया है हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्कल कर दिया, ओके डू द सर्कल ऑन द लार्जेस्ट नंबर, तो हम यहाँ सर्कल कर देंगे, डू द टिक ऑन द लार्जेस्ट नंबर, तो टिक कर देंगे। दूसरा स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा नंबर, तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट हमें देखना है, सबसे छोटा नंबर जो दी गई सीरीज में होता है
उसे हमें चेक करना है। तो आप देख रहे हैं एक नंबर 5, 4, 20 एंड 10, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस गिवन सीरीज? 4। तो हमने यहाँ पर 4 को सर्किल कर दिया, राइट? सो 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे आपकी कंपैरिजन वाले होंगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाले होंगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि विच इज़ द ग्रेटर देन, विच इज़ लेस देन एंड इक्वल, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 में हमें दिया गया है, देखिए इधर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ओके, शेप्स दी गई हैं। फर्स्ट 18, एक नंबर है 18, ओके, एंड बीच में हमारा एक सर्कल दे दिया है, एम्प्टी बॉक्स दे दिया है यहाँ पर। और सेकंड नंबर पे 17 है, तो देखना ये कि क्या 18 17 से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन आया हुआ है। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं अपने आप। फर्स्ट यू विल काउंट द पिक्चर्स गिवन टू यू, ओके, यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं उसके नंबर लिखने हैं। ऐसे ही इधर जो पिक्चर्स दी गई हैं उसका नंबर यहाँ पर लिखना है, राइट? दोनों फिर कंपेयर करना है, लेस देन का साइन लगाना है, राइट, ग्रेटर देन का या फिर इक्वल का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ओके? नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मैंने बताया था सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है, अलग अलग पार्ट दिए गए हैं 1 एंड 2। इसमें आप पहले देख रहे हैं एक नंबर हमारा 16 है, सेकंड नंबर हमारा, ओके, 16 एंड सेकंड नंबर इज 17। तो हमें क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको सर्कल बनाना है। जैसे 17 यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर हो गया, हमने यहाँ पर सर्कल बना दिया। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, ओके? सो 1 इज 11, 10 एंड 15। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 10 हो गया, 10 को हमने सर्किल कर दिया है। बाकी ये जो एक्सरसाइज है सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं हम, वैसे ही आपको करना है। आई होप कि आप इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डू द प्रैक्टिस ऑफ द एक्सरसाइज, जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।